नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में पेपर फर्स्ट, जिसका टॉपिक है आज समाज पढ़ाएंगे हम बच्चों, सोसाइटी। पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र का परिचय वगैरह और समाजशास्त्र का महत्व, ऐसे कुछ बेसिक्स बताए हैं। आज हम आपको समाज के बारे में बताएंगे बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। आखिर सोसाइटी क्या है, इसका क्या रोल है समाज में, किस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम समाज का अर्थ जानेंगे। फिर बच्चों समाज की कुछ परिभाषाएं दी हैं विद्वान, समाज की परिभाषा और आगे समाज की प्रमुख विशेषताएं, ये सब पढ़ेंगे आज। विशेषता, ठीक है बच्चों। जो बच्चों ये जो समाज वाला कॉन्सेप्ट है, जो ये मैकाइवर और पेज ने अपनी प्रमुख कृति सोसाइटी, इनकी एक किताब है बच्चों सोसाइटी नाम से, किताब का नाम ही है बच्चों सोसाइटी, और जो किताब लिखी है मैकाइवर और पेज, ये दो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों कि सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों, सोसाइटी नामक जो किताब लिखी है वो मैकाइवर पेज ने लिखी है। आइए बच्चों अब हम समाज का अर्थ जानते हैं। समाज जैसा कि ऐसे समाज के बारे में बताया है मैकाइवर पेज ने, कहा है जहाँ कहीं जीवन है वहीं क्या है समाज है। जहाँ मतलब जीवन, जैसे कि बच्चों हमारी जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है, संस्कृति की सभ्यता की शुरुआत हुई है और व्यक्ति का जीवन का पता लगा है कि पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ है, जब से जीवन की कल्पना हुई तभी से समाज बनने लगा है, चाहे वो आदिम समाज हो चाहे सरल समाज हो। लेकिन अब वर्तमान समय में जो समाज का स्वरूप है वो बच्चों कैसा है, आधुनिक स्वरूप है, जिसमें हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज कभी स्टेबल नहीं रहता है। समय समय पर समाज में बदलाव देखे जा सकते हैं, कुछ बदलाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। आखिर अब जानते हैं कि पहले तो समाज का अर्थ क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आम बोलचाल में बच्चों समाज, आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम क्या करते हैं, सोसाइटी का मतलब निकालते हैं समाज से। इसका प्रयोग व्यक्तियों द्वारा समूह के रूप में किया जाता है, जैसे कि बच्चों ये तो आपने सब नोट कर लिया होगा, जैसे कि बच्चों आर्य समाज तुमने सुना होगा हिस्ट्री में, इससे मतलब निकालते हैं लोग आर्य समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज, समाज महिला समाज, पर ये बच्चों रियलिटी में समाज का अर्थ नहीं है। ये क्या है, समाज के समूह से लगा लिया गया है, पर समाज का मतलब ये होता है कि जब लोगों के बीच में कुछ उद्देश्यों को लेकर अंतःक्रिया होती है बच्चों, अंतःक्रिया का मतलब है इंटरेक्शन होता है, तब समाज बनता है। जैसे कि केवल संस्था बनाने से, मान लो कि कॉलेज है, अब कॉलेज में बच्चे नहीं आएंगे, स्टूडेंट हों और सर नहीं हों, तो क्या है कॉलेज जो संस्था का उद्देश्य, क्या वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बच्चों समाज बनाने के लिए क्या है, अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है, और उन अंतःक्रिया से बने संबंध, अंतः संबंध एक दूसरे से क्या है, जुड़ाव होना चाहिए। कि जैसे कि बच्चों आज हमें संस्था से जुड़े हुए हैं तो क्या है, हम इस पर निर्भर हैं, किसके लिए, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, और हम पढ़ाएंगे तो बच्चों का फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा तो हमारा नाम होगा। तो कहने का मतलब है इससे क्या है, एक समाज का समाज बन रहा है समाज, तभी तो मतलब मैकाइवर पेज ने समाज को अमूर्त बताया है। ये नहीं कि लोग दिख रहे हैं इकट्ठे तो वो समाज बनना है, जैसे अग्रवाल समाज कह दिया जाए, ये समाज नहीं है रियलिटी में, ये तो लोगों का समूह है। जब तक उनके बीच में अंतः संबंध नहीं हो, एक दूसरे पर निर्भरता नहीं हो, और उनके अंदर क्या है बच्चों, व्यक्तिगत संबंध होना जरूरी है, और ऐसे ये व्यवस्था बनी रहती है बच्चों। ये तो भाई ऐसी बात रही, और क्या है बच्चों समाज
संगठित असंगठित दोनों रूप में देखा जा सकता है, पर वो वाली जो बातें हैं वो सिर्फ शाब्दिक रूप में है कि अग्रसेन समाज समिति ये जो भी है, ऐसे नहीं है बच्चों। समाज क्या है, हमने तुम्हें अभी बताया था कि समाज में दो मुख्य कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो अंतः संबंध, एक दूसरे के बीच संबंध क्या है, वो संबंध बने कैसे हैं अंतः क्रिया के द्वारा। तुम्हें बच्चों नहीं, आप तो फर्स्ट ईयर के ही हो, कोई बात नहीं, मैं सोच ठीक है। अंतः क्रिया के बाद जो संबंध बनते हैं, जैसे कि मान लो हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, बगल में हमारा एक पड़ोसी बैठा है और हम भी बैठे हैं, और जब तक हमारी कोई बात नहीं होती है तब तक हम अजनबी होते हैं। जब हमारा कुछ उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं भाई आप कहाँ से हो, बोला हम यूपी से, आप कहाँ से, भैया हिंडौन से, भाई हिंडौन में तुम किसी को जानते हो, अच्छा वो कौन सी कम्युनिटी से हो, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हो। जब बात वार्तालाप शुरू हुआ तो क्या है बच्चों, संबंध बनने लगे, फिर क्या है, फिर हम एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, फिर बात स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से क्या है बच्चों, समाज का निर्माण होने लगता है। तो तुम्हें साधारण मतलब समझ में आ गया होगा बच्चा बच्चों कि समाज का अर्थ क्या है। अब बच्चों समाज की परिभाषा जानेंगे, वो किनके द्वारा जानेंगे, एक मैकाइवर पेज समाजशास्त्री बच्चों, दो लोग हैं ये, मैकाइवर एवं पेज। बच्चों ये नाम तुम्हें याद करने होंगे क्योंकि हर बार समय समय पर आपको इन नामों का तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं ये नाम तुम्हें पढ़ने को मिलते रहेंगे, चाहे हम धर्म पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी तो समिति पढ़ेंगे, संस्था पढ़ेंगे बारी बारी से, उन सब में क्या ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आते रहते हैं, इसको ध्यान रखना ठीक है। इनके द्वारा इन्होंने क्या बताया बच्चों, मतलब समाज की परिभाषा, तो इन्होंने बताया समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का क्या है बच्चों, एक जाल के रूप में है, या जाल के साथ साथ कह सकते हैं ताना बाना है, वो कैसे है बच्चों, आइए जानते हैं। जैसे कि बच्चों ये आपका रहा अग्रसेन कॉलेज, इससे वो लिखते हैं AKM, ठीक है बच्चों। इस कॉलेज से कितने लोग जुड़े हैं, एक तो आप छात्रा छात्रा जुड़ी हुई हैं, यहाँ से कॉलेज का मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, प्रबंधक प्राचार्य जी जुड़े हुए हैं, शिक्षक या व्याख्याता बच्चों ऐसे कर सकते हो, व्याख्याता, यहाँ फोर्थ क्लास, और ऐसे मान सकते हैं इसको यूनिवर्सिटी कौन सी है बच्चों, कोटा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से भी इसका जुड़ा हुआ, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये एक दूसरे से क्या है, ये बच्चों जुड़े हुए इंटरलिंक्ड हैं, तो क्या है बच्चों, क्या है एक समाज बन के तैयार हो रहा है, आप उदाहरण समझ गए होंगे। ऐसे घर में होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, परिवार के मुखिया के साथ साथ मम्मी पापा भाई बहन चाचा दादी बुआ, ये सारे लोग जुड़े होते हैं, तो क्या है जब इनके बीच में आदान प्रदान या अंत्यक्रिया होती है तो क्या बनता है बच्चों, समाज का निर्माण होता है। आप परिभाषा को समझ गए होंगे, समाज क्या है बच्चों, सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए मैकाइवर पेज ने क्या बताया, समाज को सामाजिक संबंधों का जाल बताया। जाल का मतलब है हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर, हमारा क्या है किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो आपके पिताजी हैं, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से न जुड़कर अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जहाँ अग्रवाल समाज समिति में सदस्य भी होंगे, है कि नहीं बच्चों, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति का, जैसे कि देश के लिए हमारा योगदान है, तुम सबका योगदान है, तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अगर सरकारी जॉब में है तो वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, कोई व्यक्ति NGO चलाकर भी समाज की देश की सेवा कर रहा है, तो क्या है वो किस रूप में जुड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप में जुड़ा हुआ है। ऐसे इस तरह से तभी तो समाज मतलब समाज को क्या बनाया बताया गया है, जो हमारे बीच में जो संबंध है उनका जाल है, कहने का मतलब एक व्यक्ति है वो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। आप एक सिंगल पर्सन है, मान लो एक छात्रा है, तो आपका जुड़ाव बहुत सारे लोगों से है कि नहीं, आप किसी के एक अच्छे पड़ोसी भी हो, खराब हो, जैसे भी हो, आप किसी की बेटी भी हैं,
आप कॉलेज से संबंधित तो एक स्टूडेंट भी हैं, अगर किसी बैंक में आपका खाता है तो आप खाता धारक भी हैं, है क्या नहीं? अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप एक खिलाड़ी के रूप में भी है। लेकिन उन सब के बीच में क्या है बच्चों, इंटर रिलेशन है, क्या है, अंतः संबंध है। फिर बच्चों एक दूसरी परिभाषा है, उसको भी जानते हैं। देखो बच्चों, गिडिंस साहब ने एक परिभाषा दी है, ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत बताया बच्चों, इंग्लैंड के विद्वान हैं ये, बहुत ज़्यादा है मतलब सोशियोलॉजी में इनको पढ़ा जाता है। दूसरे विद्वान हैं गिडिंस, समाजशास्त्री हैं बच्चों गिडिंस, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्होंने क्या बताया है समाज की परिभाषा के रूप में, इन्होंने बताया है कि समाज क्या है बच्चों, स्वसंबंध का संगठन है। स्वसंबंध का मतलब है खुद के बनाए हुए क्या है, रिलेशन है। वो कैसे हो सकते हैं, वो औपचारिक रूप में बने हुए संबंध होते हैं जो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं बच्चों, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि बच्चों सहयोग, सहयोग का मतलब जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था बच्चों, तो कोरोना काल के दौरान मोदी जी ने क्या है बच्चों, एक वो क्या मतलब, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक ग्रुप टाइप सा बनाया, पीएम केयर फंड। क्या बनाया बच्चों, पीएम केयर फंड। तो उसमें क्या है, लोगों ने अपने अपना दान दिया, तो वो क्या बन गया है बच्चों, सहयोग बन गया, क्या, कॉपरेशन, सहयोग। एक सहयोग ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब रुपए पैसे से ही सहयोग हो, जैसे कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसको हाथ पकड़ के हमने रास्ता क्रॉस करा दिया, तो बच्चों वहाँ पे क्या है, वहाँ भी संबंध बना। कैसे बना, वो क्या बोलेगा, जो बुजुर्ग है वो आपको क्या आशीर्वाद देगा, क्या बेटा अच्छे ऊपर से पढ़ो, लंबी उम्र हो, ये क्या एक भावनात्मक संबंध बन रहा है आपका, ठीक है। तो आपने परिभाषा जानी समाज क्या है बच्चों, स्वयं मतलब बना हुआ क्या है, एक संघ के रूप में, संघ मतलब कई सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, मैंने अभी जैसे बताया था। औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाला व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, समाज कहते हैं। आप समझ गए होंगे समाज के बारे में, केवल ऐसे नहीं कह सकते कि जनजाति समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, या कुछ धर्म का समाज, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ, ऐसे डायरेक्टली नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि ये समाज की जो धारणा है वो अमूर्त रूप में, अमूर्त रूप में का मतलब है हमको दिखती नहीं है, सिर्फ फीलिंग से उसको महसूस किया जा सकता है। किसके बीच में हमारे क्या संबंध हैं, वो संबंध जटिल हैं, कैसे हैं, उसको कैसे समझ पाओगे जब आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे। पहले तो हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं, तब तक तो ये लगता है ये आदमी बहुत बढ़िया है, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम संपर्क में आते हैं तो पता लगता है कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, सर तो बहुत बढ़िया है, सर से ले लो मतलब, है कि नहीं। अब बच्चों हम आपको समाज की कुछ विशेषताएं बताएंगे, आइए जानते हैं आगे समाज की कुछ विशेषताएं बच्चों, ठीक है बच्चों। समाज की प्रमुख विशेषताएं, पूरे मतलब दुनिया के हर कोने में क्या है बच्चों, जो समाज है वो अलग अलग रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कुछ मेन मेन चीज़ें क्या होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन और जो समाज के जो स्वरूप है वो दिन प्रतिदिन बदलता है, कभी भी स्टेबल नहीं रहता है समाज, ठीक है बच्चों। पारस्परिक जागरूकता, बच्चों समाज के अंदर क्या है बच्चों, जागरूकता पाई जाती है आपस में, और जब तक बच्चों जागरूकता नहीं होगी तब तक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे कि हम बोल दिए जाएं कि हमारे सीएम गहलोत साहब, तो लोग अपना अपना लिंक ऑटोमेटिक, अरे वो तो हमारे जानकार हैं, वो तो हमारी कम्युनिटी के हैं, वो तो ओबीसी से आते हैं, वो तो ये हैं। अगर बात आ जाए डोटासरा की बोल दिया जाए तो लोग कहेंगे अरे वो तो जाट कम्युनिटी से हैं, पायलट जी की बात आ जाए तो वो तो गुर्जर समाज से हैं। कहने का मतलब है कि हम व्यक्ति जो जिस कम्युनिटी के हैं, जिस जाति समुदाय के हैं, उनके अंदर क्या है, जागरूकता है, उनको सब कुछ पता है,
कि कौन सा व्यक्ति, अब मान लो किसी का कोई फादर है कहीं जा रहा है, अरे भाई ये तो हमारे वो लगते हैं, कहने का मतलब है लोगों के अंदर जागरूकता पाई जाती है। जब समाज है, समाज का निर्माण तब संभव हो पा रहा है जब व्यक्ति के अंदर अवेयरनेस है। मान लो हमें पता ही नहीं है कि हमारा कौन क्या लगता है, कैसे कैसे क्या है, जब तक हमें पूरी डिटेल नहीं पता होगी तब तक क्या है हम किसी से बात ही नहीं करें। अजनबी से बात करने में क्या है बच्चों, हिचकिचाहट होती है, हिचकिचाहट बोलते हैं जिसको, मतलब अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। और जब हमारे खुद के अपने होते हैं तो वहाँ हम खुल के बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो समाज का निर्माण करने के लिए बच्चों पारस्परिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है, इंटर जो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है वो ज़रूरी है। आप समझ पा रहे होंगे कि जागरूकता बहुत सारे रूप में हो सकती है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। बच्चों देखो, पहले जब आदिम समाज था, आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, लोगों ने जब खेती करना शुरू किया, पहले तो ऐसे सभ्यता कल्चर नहीं थी। आज के ज़माने में चीज़ें बदल रही हैं। पहले देखो संदेश वाला काम कैसे होता था, आप जानते हो अच्छे से। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, पल पल की खबर मिलती रहती है। क्या समाज में बदलाव नहीं आया बच्चों? बात करने के अंतर, इंटरेक्शन करने के तरीके भी बदल गए हैं, संबंध भी उसी हिसाब से बन रहे हैं। कुछ हमारे साथ आवासीय संबंध होते हैं, जैसे कि मान लो कोई आपका फेसबुक पर फ्रेंड है जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और हमारी दोस्ती बरकरार चल रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक संबंध, एक अटैचमेंट डेवलप हुआ है, ठीक है। तो हम दूसरे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, समाज में समानता और असमानता पाई जाती है। बिल्कुल फैक्ट है बच्चों, समाज में समानता और असमानता देखी जा सकती है, ठीक है बच्चों। वो कैसे देखो, आप अच्छे से जानते हैं, इसको बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है बच्चों, अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। बीच का व्यक्ति है वो ना तो धर का है ना उधर का है, वो ज़िंदगी की जद्दोजहद में क्या है उलझा पड़ा है। वो सोचता है कुछ बचा लूँ पैसे, आगे भविष्य सिक्योर हो जाएगा, हमारे बच्चों का, हमारा खुद का, अपना। तो बहुत सारी समस्याएँ, तो समानता और असमानता की उस पूरे जाल में हम डूबे हुए हैं। कोई गरीब है, बहुत सारी समस्याएँ, अच्छा तुम समझ रहे होगे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। कोई पढ़े लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास सरकारी जॉब है, व्यवस्था है। कोई अशिक्षित भी है बेचारा, छोटी सी पर्ची भरने के लिए क्या दूसरे का सहारा ले रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, किसी के पास साधन है, कोई साधन विहीन भी है। और प्रकृति ने तो खैर बच्चों सबको समान बनाया है, लेकिन डिपेंड करता है उसको कैसा माहौल मिला, कैसा पर्यावरण, मतलब समाज का। मैं तुमने पढ़ा हुआ पर्यावरण दो तरह का होता है, प्राकृतिक और सामाजिक। मेन चीज़ है सोशियोलॉजी में सामाजिक पर्यावरण उसको कैसा मिला, उसी के हिसाब से वो अपने आप को कितना मतलब समाज के हिसाब से एडजस्ट कर पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरे पॉइंट विशेषता की ओर बढ़ते हैं बच्चों, समाज में सहयोग और संघर्ष। प्राचीन काल से ही बच्चों समाज में सहयोग और संघर्ष वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ समाज में सहयोग होता है वहाँ चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, जहाँ संघर्ष होता है वहाँ समाज में टूट फूट महसूस होती है। कहने का मतलब संबंध विच्छेद हो जाते हैं, संबंध टूटने लगते हैं। तो ये समाज में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, जहाँ सहयोग होता है वहाँ बहुत तरक्की होती रहती है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं लोग, विचारों की करते हैं, मतलब कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या है बच्चों, समाज सहयोग के रूप में आगे बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, जैसे देखा है सरकार कुछ काम नहीं करा रही, फिर भी लोग एनजीओ के माध्यम से देश की सेवा करते हैं। आप खुद भी सहयोग कर रहे हो, कहने का मतलब है अगर आप अपने परिवार में अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो क्या है, आप देश के लिए सहयोग कर रहे हो, अपने परिवार के लिए भी तो सहयोग कर रहे हो। एक दिन आप परिवार की आवाज़ बनोगे, है कि नहीं, देश की आवाज़ बनोगे, समाज की आवाज़ बनोगे, तो कॉलेज का भी नाम हुआ। तो क्या है बच्चों, सहयोग। सहयोग किसी भी तरह से, कई तरह से हो सकता है बच्चों, ऐसे ही संघर्ष है। मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल बात है कि हाँ, एक हमारे सोशियोलॉजी में विद्वान है संघर्षवादी विचारधारा जिन्होंने दी है, कोजर साहब हैं, इनका पूरा नाम है लेविस कोजर। इन्होंने बताया संघर्ष दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और सॉरी इन्होंने बताया है वास्तविक और अवास्तविक, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक बच्चों, यथार्थ और अवास्तविक बच्चों, ठीक है। तो क्या है बच्चों, हमेशा जो संघर्ष होता है बच्चों वो समाज को तोड़ने के लिए नहीं होता है। जैसे कि 1857 का स्वाधीनता संग्राम,
कितना लड़ाई जद्दोहद, लाखों लोग मारे गए, लेकिन क्या हुआ, भारत को आज़ादी मिली और आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो संघर्ष नहीं होता तो हम आज़ाद भी नहीं होते। ज़िंदगी भी एक संघर्ष की तरह है बच्चों। हर रोज़ हर दिन हर पल पल पर यह एक नई चुनौती है जिसको हम फेस करते हैं और कोशिश करते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी क्या हो बच्चों, आसान हो। तो संघर्ष, और कभी कभी संघर्ष क्या है बच्चों, बदलाव भी लाते हैं। ये तो पॉजिटिव बच्चों है। नकारात्मक संघर्ष हानिकारक होता है। जैसे कि बच्चों प्रथम विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, आजकल भी संघर्ष जैसे हालात बने हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान को लेकर, इंडिया चाइना को लेकर, नेपाल को लेकर, चीज़ें ऐसी हैं। तो ये है। अब बच्चों आगे विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। अगली विशेषता है बच्चों, समाज सदैव परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। बच्चों समाज कैसा है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, समाज परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। समाज में कुछ ना कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, वो किसी भी रूप में देखे जा सकते हैं। समाज क्या है बच्चों, सदैव परिवर्तनशील है, आप अच्छे से जानते हो। किसी की भावनाओं विचारों को समझने का तरीका बदल गया है अब। परिवर्तनशील और कैसी है जटिल व्यवस्था, लेकिन इतना जरूर है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते हैं, ये नहीं पता लगा पाते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। यही तो क्या है बच्चों, जटिल समाज या आधुनिक समाज की विशेषता है। हम सब कुछ करीब होते हुए हम उस बहुत सारे लोग मम्मी पापा अपने बच्चों को भी नहीं समझ पाते, जबकि उन्होंने उनको क्या पला बड़ा किया, पासपोर्ट हर सकूँ मतलब हर समय साथ रहते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि भाई ये जो व्यवस्था है समाज की, वो जटिल व्यवस्था है। लोगों के दिमाग में क्या है जो भी है। और मैं अभी बोल रहा था समाज सदैव परिवर्तनशील है, वो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बच्चों। वो ऐसे है, चाहे आप रहन सहन के ऊपर ले लीजिए, पहले खाना खाने का तरीका क्या था दावत में, आज देख रहे हो क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम कर दिया है। पहले दावत ज़मीन पर बैठ के तसल्ली एक एक वो होता था, चीज़ें किसी भी सिस्टम में, पढ़ाई करने के तरीके बदल गए। आप पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चीज़ें बदल गई, डिजिटल पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आप समाज में क्या है बच्चों, और लोगों के व्यक्ति के विचार भी तो बदलते हैं। बल्कि आज वही कुछ कह रहा है, आज कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, कल कह रहा है भाई अब तक तो साथ था, अब हमारे बस में नहीं है जी, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, है कि नहीं बच्चों? तो आप इतना समझ गए होगे, और अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो विशेषता है समाज की, वो क्या है? अगली विशेषता है बच्चों, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, समाज केवल मनुष्यों तक, केवल मनुष्य के लोग अंत्यक्रिया करते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है समाज के बच्चों, समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है बेटा, पशु समाज भी होता है, लेकिन पशु समाज को हम इतना महत्व नहीं देते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग होती है समाज मनुष्यों तक तक ही सीमित नहीं है बच्चों, ठीक है। केवल मानव समाज ही समाज नहीं है बच्चों, पशु समाज भी समाज होता है, उनके अंदर भी फीलिंग होती हैं, उनके अंदर भी विचार होते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग समाजशास्त्री लोग पशु समाज को इतनी प्राथमिकता देते नहीं है, इसीलिए क्या है बच्चों, ऐसा लगता है कि केवल हम जो समाज है वही समाज है, मतलब मनुष्य का ही समाज केवल समाज। अगला पॉइंट है, समाज क्या है बच्चों, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, किसी न किसी रूप में हम एक दूसरे जुड़े हैं। आज तुम बच्चे हो तो अपने मम्मी पापा पर निर्भर हो, अपने बहन भाई पर निर्भर हो, अपने टीचर पर निर्भर, जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद ही आत्मनिर्भर हो जाओगे, एक आपको नया अनुभव मिला। क्यों? डिपेंड करता है आपने जो पढ़ाई लिखाई अर्जित की है उससे क्या है, आप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, आप इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू।